अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, तो आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल एमबी मैथमेटिक्स पर वेलकम है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मैकेनिक्स में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। किसी कोण का सॉलिड कोण है, हॉलो कोण नहीं, सॉलिड कोण का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। तो जिसकी हाइट जो है वो एच है और उसका जो बेस पर रेडियस है वो सेंटर से वो है ए, ठीक है। तो उसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो उसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टूडेंट्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम इसका एक कोई स्मॉल एलिमेंट वो कंसिडर करेंगे। तो जब हम उसको स्मॉल एलिमेंट काटेंगे वो एक डिस्क बनेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो डिस्क बनेगी और उसका जो रेडियस होगा वो हम कोई लेट करेंगे, आर लेट कर लेंगे, ठीक है। और उसका जो चूंकि ये कोण है, ठीक है, इसकी कुछ ना कुछ विड्थ होगी। जब हम उसका स्मॉल एलिमेंट लेट करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ उसकी विड्थ जरूर होगी, तो उसका हम बेस भी कंसिडर करेंगे स्टूडेंट्स। तो कोण में चूंकि स्टूडेंट्स रेडियस है वो वेरी करता है, ठीक है, कॉन्स्टेंट नहीं रहता। जैसे सिलेंडर में जो होता है वो उसका रेडियस जो होता है वो कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है वो रेडियस वेरी कर रहा है, पहले उसको हम फाइंड करेंगे, ठीक है। वो कैसे फाइंड करेंगे उसको भी देखते हैं स्टूडेंट्स। तो पहले सबसे कोण की जो डायग्राम को ड्रा करते हैं और उसकी हेल्प से जो हमें करना होगा, जो हमें हमारी रिक्वायरमेंट होगी उनको हम पहचानेंगे और उसको हम जो है ना वो अपने मेथड्स के हेल्प से उनको फाइंड करेंगे। तो क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास एक कोण है, ठीक है, सॉलिड कोण है। तो ये हमारे पास कोई सॉलिड कोण है, इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट जी एक्सिस, अबाउट जी एक्सिस। तो ये कंसिडर कर लेंगे कोई स्टूडेंट्स कोई कोण है और इधर से लेकर इसका इधर से तक जो डिस्टेंस है ये ए है, ठीक है। और ये कार्टेशियन सिस्टम इसको अगर लिखे तो ये इस तरह होगा, हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा जी एक्सिस स्टूडेंट्स और ये आ जाएगा हमारे पास एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा वाई एक्सिस स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या करेंगे, इसका स्मॉल एलिमेंट लेट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। वो एक डिस्क बनेगी, तो उसको हम डिस्क को जो है वो लेट करते हैं, कंसिडर जो है कोण ऑफ मास कैपिटल एम एंड हाइट इसकी क्या स्टूडेंट्स, हाइट है इसकी, हाइट इसकी एच है। तो हम इसका स्मॉल एलिमेंट कंसिडर स्मॉल एलिमेंट लेट करते हैं, तो जो एक डिस्क बनेगी स्टूडेंट्स। तो जब हम इसका स्मॉल एलिमेंट लेट करेंगे तो एक डिस्क बनेगी। तो ये इस तरह सारा इसका जो ये सारा फील्ड है हालो, तो इसलिए फिर क्योंकि हम सॉलिड कोण ले रहे हैं, तो इसकी हम एग्जांपल देख रहे हैं। जो जो सड़कें होती हैं उन पर जब जिधर से वो ट्रैफिक या अगर वो काम कर रहा, अगर काम हो रहा हो सड़क पर या तो उस उधर एक कोण की तरह के ना शेप्स की तरह के वो बैरियर लगाए होते हैं, तो इस तरह आप वो कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन वो जो होते हैं वो एक वो हल होते हैं, ठीक है। लेकिन हम जब वो फील्ड ले रहे हैं, जिस तरह कोण आइसक्रीम भी होती है वो अंदर से फील्ड होती है, तो वो आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ये भी कोण है, ये फील्ड है, तो बारिश हम आस हो सकते हैं। तो इसके लिए हम स्टूडेंट से ये इसका जो रेडियस है ये हम लेट करते हैं, ये आर है, इसकी विड्थ जो है वो डी जी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे और इस रेडियस तक यानी इस जो इस डिस्क से इस डिस्क से तक जो हमारा डिस्टेंस है ना ये वाला, ये हम कंसिडर करते हैं, ये हमारा है जी माइनस एच, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ एच माइनस जी आना चाहिए क्योंकि, तो इधर आएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, इधर आएगी हमारे पास हाइट हमारी ये है। और अगर हम कंसिडर करते हैं कि ये हमारी इधर तक हाइट है, इधर तक हमारा ये हमारी हाइट है एच यानी जी, तो ये हमारी हाइट क्या होगी, एच माइनस जी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि आइस स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, क्योंकि ये डिस्क है तो हम डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका जो मास डी एम, ठीक है, इसका मास क्या है डी एम, तो इसका जो रेडियस है वो क्या है आर स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हमने क्या ट्राई टू फाइंड, ये इससे जो पहले वाली वीडियो जो है स्टूडेंट्स उनमें हमने फाइंड किया है, तो वो वाली वीडियो को आप जरूर देखें।
ये जो डिस्क का वो जो रस्सी है ये सिलेंडर में भी यूज हो रहा है और इधर भी यूज हो रहा है, तो इसलिए इसको आपने इसको माइंड में रखना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम जो है ना वो इस आर का हमें नहीं पता कि यह कितनी लेंथ है, इसको हम फाइंड करेंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स अगर हम इसको गौर से देखें, ठीक है, तो ये क्या बन रही है, एक सिमिलर ट्राइंगल जो दो बन रही है। अगर हम इसको दो जो है वो गौर से देखें तो ये टू सिमिलर ट्राइंगल स्टूडेंट्स बन रही है। एक ये वाली है, ये क्या है जी माइनस एच, ठीक है, और इसकी जो ये जो बेस है ये क्या है आर, और ये बेस है ए, और इस ट्राइंगल की जो हाइट है ये कितनी है एच, ठीक है। अब हम इनको स्टूडेंट करते हैं, इनके ये वाला एंगल भी सेम है, ये वाला एंगल भी सेम है, ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी एंगल सेम है इनके। तो आप इनको थोड़ा सा अलहदा करते हैं, ये आगे स्टूडेंट हमारे पास एक ये ट्राइंगल, और इसी तरह से स्टूडेंट एक ये हमारे पास बन जाएगी राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये इसकी जो हाइट है ये हमारे पास इसकी बेस जो है वो आर, और इसकी बेस जो है वो हमारे पास ए है, और इसकी जो हाइट हमने लेट की है ये जी माइनस सॉरी एच माइनस जी है, ये क्या है एच माइनस जी है, और इसकी जो हाइट है ये एच है। तो बाय सिमिलर ट्राइंगल एंगल की हेल्प से हम क्या करते हैं, अब इसकी हाइट और उसकी हाइट इनकी रेशियो जो है वो इक्वल होगी दूसरी उनकी बेस से। तो क्या फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल वी नो दैट के क्या हम जानते हैं, अगर हम कहते हैं कि ये कोई हाइट है एच वन और ये कोई हाइट है एच टू, ये कोई बेस है बी वन और ये बेस है कोई स्टूडेंट बी टू, तो हम जानते हैं कि एच वन अपॉन एच टू एंड बी वन अपॉन बी टू। तो इसके मैं स्टूडेंट रेज करता हूँ नीचे से, तो अब हम इनकी जो वैल्यूज आएगी वो हम स्टूडेंट पुट करते हैं, तो उनकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास H1 क्या था, चले दोबारा से बनानी पड़ेगी, ये जो है ये हमने कैलकुलेट की थी H1 Z माइनस H और बेस है इसकी R, और इसी तरह से स्टूडेंट्स एक ये ट्राइंगल थी, ये थी इसकी ये H1 और ये थी H2 H2 हमारी H के इक्वल है, और इसकी जो बेस है ये हमारे पास है A है, ये B1 है और ये B2 है। इनकी हम स्टूडेंट इधर वैल्यूज क्यों रखते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, तो हमारे पास आएगा इसको मैं इधर लिख देता हूँ DIG किसके इक्वल आ रहा है 1/2 DM और R स्क्वायर। इसके बाद आ जाएगा स्टूडेंट से इसकी हम वैल्यूज रखते हैं इधर, तो H1 आएगा हमारे पास जी माइनस एच माइनस जी एच माइनस जी अपॉन इसकी ये रेशियो एच आ गई, और ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास B1 क्या है R अपॉन B2 A। R को हमने फाइंड करना, तो R की हम वैल्यू स्टूडेंट फाइंड कर लेते हैं A अपॉन एच और एच माइनस जी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आ जाएगी हमारे पास इधर कितनी, तो ये आ गई हमारे पास आर की वैल्यू स्टूडेंट। तो इस तरह से आगे स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि आर की वैल्यू आ गई और ये हम इधर डीएम की वैल्यू भी पुट करेंगे, तो अब हम हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, अब हम इसको इधर लिख लेते हैं DIG is equal to 1/2 DM और आर स्केयर। इसको हम इंटीग्रेट करते हैं स्टूडेंट्स किधर से लेकर जीरो से लेकर हाइट एच तक, जीरो से लेकर हाइट एच तक हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, इधर हम डीएम की वैल्यूज चाहिए, डीएम की वैल्यू क्या है, डीएम की वैल्यू हम स्टूडेंट फाइंड करते हैं, वो हम इधर इसकी जो डेंसिटी होगी उससे फाइंड करेंगे। तो इसकी डेंसिटी से इस ये वाला जो हमने डिस्क कंसीडर की है इसकी जो डेंसिटी होगी वो हम फाइंड इसकी रिस्पेक्ट में इस मास की रिस्पेक्ट में हमारी जो डेंसिटी होगी वो हम फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या है कि
जैसे आगे इसका जो मास है वो dm है और इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है स्टूडेंट्स, पाई आर स्क्वायर और इनटू इसकी जो हाइट dz है, यानी जो इसकी विड्थ है। तो इधर से dm आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास रो पाई आर स्क्वायर इनटू dz। तो इसके लिए आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स ये वाली जो वैल्यू हम इधर रखते हैं, इधर आ जाएगी 0 से लेकर a तक के, और इसकी वैल्यू इधर रखते हैं स्टूडेंट्स 1/2 को हम बाहर लिख लिया। तो ये आ जाएगी हमारे पास रो पाई आर स्क्वेयर इंटू आर स्क्वेयर ये वाला और dz आ गया स्टूडेंट्स। तो अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इधर हम आर आर की वैल्यू पुट करेंगे, तो कॉन्स्टेंट को बाहर निकालते हैं, रो पाई बाहर आ गया और इधर आ गई आ जाएगी आर की पावर 4 into dz। तो dz की हम इधर निकालने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इधर हम इसकी जो पावर 4 लेंगे इसको हम इधर पुट करते हैं, तो वो क्या आएगी 1/2 आएगी स्टूडेंट्स, रो आएगा पाई आर की वैल्यू ये वाली है, तो ये आ जाएगी हमारे पास स्टूडेंट्स ए की 4/h की 4 और h-g की पावर 4 into dz और जो इंटीग्रल है वो 0 से लेकर h तक है स्टूडेंट्स। तो इधर से मेरे पास क्या आ गया कि 1/2 रो आ गया पाई आ गया स्टूडेंट्स और ए स्केयर भी कॉन्स्टेंट है और एच स्केयर भी एच की पावर 4 भी कॉन्स्टेंट आ गई और इधर से हमारे पास स्टूडेंट्स आ गए 0 से लेकर h तक h-g की पावर आ गई होल 4 into dz। और इधर से स्टूडेंट्स हम इधर इंटीग्रेशन का जो फार्मूला है उसका यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं उधर ऊपर लिखता हूँ, इसको आप लिख ले यहाँ से स्क्रीनशॉट ले ले। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास I आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू दिस, यानी कि वो क्या है 1/2 रो पाई ए की पावर 4/h की 4 और इंटू और इधर स्टूडेंट्स इसकी जो इंटीग्रेशन आएगी, ठीक है, इधर हम इसका पावर रो लगाएंगे और इसको हम आसानी करके इधर हम अगर हम माइनस का अमल लेते हैं, ठीक है, वो इसकी पावर इवन है तो इवन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारे पास क्या आएगा g-h की पावर 4 into dz, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हमारे पास आ गया इधर हम इंटीग्रल का जो फार्मूला होता है उसके जो उसका यूज करेंगे स्टूडेंट्स। तो उसमें क्या आएगा कि अगर इसका जो अंदर वाली जो रकम होती है इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो हम जो पावर रूल लगाते हैं, तो पावर रूल वाला इधर फार्मूला लगेगा इंटीग्रेशन में वाला। इंटीग्रेशन में क्या होता है 0 से लेकर a तक, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगी, ये सारा वैसे का वैसे आएगा। चलिए मैं लिखता हूँ, इधर आ जाएगा 2 और π a की 4/h की 4 और स्टूडेंट्स डेंसिटी की भी मैं वैल्यू इधर चले अभी नहीं रखता, तो डेंसिटी की वैल्यू ये आ गई। तो इधर हम इसकी जो इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा g-h की पावर 5/5 और इंटीग्रल आ जाएगा 0 से लेकर h तक, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हमारे पास आएगा, अब हम इसकी जो लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स, ये वैसे क्या वैसे आएगा और ये इधर पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यानी चले 1/2 π a की 4/h की 4 डेंसिटी और इनटू अपर जी h-h की पावर 5/5 और माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे स्टूडेंट्स, तो लोअर लिमिट के लिए 0 पुट करेंगे जी की जगह पर, तो हमारे पास क्या आएगा g-h की पावर 5/5 तो ये आ गई हमारे पास स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब ये इसके साथ काट के ये 0 हो गया स्टूडेंट्स और अब ये बच गया ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इधर से हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स 2π a की 4/h की 4 इधर हम स्टूडेंट्स डेंसिटी की वैल्यू रखते हैं, डेंसिटी का होल कोर की जब डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी यानी अगर इस पूरे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डेंसिटी को अगर निकाला जाए तो वो क्या होगी, उसमें क्या होता है
कि हम सिलेंडर के अंदर सिलेंडर के वॉल्यूम को 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या करेंगे, इधर हम यानी ये कौन की क्या कौन का मास है में, और इसका जो वॉल्यूम होगा 1/3 पाई और ए पाई ए स्क्वायर और जो एच होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आता है हमारे पास कौन का वॉल्यूम और ये उसकी डेंसिटी आ गई, इसकी वैल्यू हमें रखती है, ये 3 ऊपर चला जाएगा, हमारे पास आ गया पाई ए की पावर 2 इंटू एच, एच ये आ गया, और स्टूडेंट्स हमारे पास क्या एक एच ये एच की पावर 4 ये वाली भी है, ये 0 हो गया स्टूडेंट्स। और हमारे पास क्या बच गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, और हमारे पास आ गया एच की पावर 5/5। अब स्टूडेंट्स एच की पावर 4 और ये एच 4 1/5 हो गया, तो ये एच एच वाले टर्म काट गए। तो अब हमारे पास क्या बचा स्टूडेंट्स, ये ए स्क्वायर ए की पावर 4 के साथ गया, तो ये हमारे पास ए की पावर 2 रह गई, पाई पाई के साथ गया, तो हमारे पास क्या बच गया स्टूडेंट्स, इसको उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और ये बच गया 3/10 मास और रेडियस आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन द कोन स्टूडेंट्स अबाउट द एक्सिस। तो क्या किया स्टूडेंट्स, हमने एक डिस्क कंसीडर की, डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिया, उसके बाद हमने ये जी जो आर था रेडियस इसका फाइंड किया, क्योंकि इसका जो रेडियस है वो वेरी कर रहा है, इस इधर हम डिस्क लेंगे तो उसका रेडियस कुछ और होगा, इस तरह से स्टूडेंट्स इसका जो रेडियस है वो वेरी कर रहा है। तो हमने उस आर की वैल्यू को निकाला और हमने जो ना सिंगल ट्रायंगल दो बनी, तो सिंगल ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी होती है उसका यूज करते हुए हमने आर को फाइंड कर लिया। फिर हमने कहा कि इधर हमने जो जी माइनस इधर माइनस वन कम लिया अपने साइन के साथ, ताकि इधर साथ उसका पावर ई माना तो कोई फर्क नहीं पड़ना। तो इस तरह से हमने जो है स्टूडेंट इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लिया। तो अगर मुझसे कोई बोलने में या लिखने में जब कोई मिस्टेक होगी हो तो स्टूडेंट साहब वो आपको मैं सेक्शन में लाजमी बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।